दोस्तों जय हिंद। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोग यूपीएसआई के जो यूथ कंपटीशन की बुक है उसके 20 नंबर तक के क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग 21 के आगे क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। मैं इसको ऐसे करता हूं कि जो एक नंबर है मैंने मान लिया 200 और इस नंबर पे 10% बढ़ गया। 10% दोस्तों बढ़ने का इसका फ्रैक्शन में निकालेंगे तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब हो दोस्तों आपका जो ओरिजिनल नंबर था वो 10 था, उसमें से एक बढ़ गया तो आपका ये जो नंबर कितना हो गया 11 हो जाएगा और ये बटे में तो 10 रहेगा। ये बात आपको इतनी समझ सकते हैं अब दोस्तों। तो आप इसका सीधा सीधा यदि 11/10 निकाल देंगे तो ये इसको यहां पर ना करके तो ये जो आपका 200 नंबर है इसका यदि आप सीधा सीधा 11/10 निकाल देंगे तो ये आपकी 10% बढ़ी हुई वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये 220 हो जाएगा। अब दोस्तों ये आपकी जो 100% की वैल्यू थी ये आपकी, और ये आपकी वैल्यू कितने की है 110% की वैल्यू है। अब दोस्तों यदि मैं कहूं तो इसमें देखिए हमने इसमें सीधा सीधा डायरेक्ट फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा दिया था। अब दोस्तों मैं कहूं यदि आपको यहां से यहां पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, ये जब आपकी जो 110% की वैल्यू दी होती, जब आपको दोस्तों 100% की वैल्यू दी होती है तो आपको सीधा 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 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराना होता है। और जब दोस्तों आपको 100% की वैल्यू ना दी गई हो, इसके अलावा कहीं 80% 90% या 110 किसी भी अन्य परसेंटेज की वैल्यू दी गई हो और आपको 100% की वैल्यू पता करना हो तो आप हमेशा उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहां पर आप किसका मल्टीप्लाई 10/11 करा देंगे, ये 11 × 22 तो ये आपका 200 आ जाएगा, फिर से आप 100% में पहुंच जाएंगे। तो बस दोस्तों इसका मुझे सारा बताने का बस एक ही मकसद था कि यदि आपको 100% की वैल्यू पता है तो आप सीधा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके अलावा यदि आपको 100% से कम की वैल्यू पता है या 100% से ज्यादा की वैल्यू पता है वहां पर हमेशा आप उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कराएंगे। आप चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो आप ये क्वेश्चन देखिए कि आपके इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अब आप एक क्वेश्चन पढ़िए, एक तीरंदाज सटीकता के कारण एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य को भेज सकता है, अगर मौसम जब तूफानी हो जाता है तो 20% कम भेजता है, अगर वह तूफानी मौसम में 350 में से 196 बार लक्ष्य को भेजता है तो सामान्य परिस्थिति में 250 में से कितने बार लक्ष्य को भेजेगा। यहां पर दोस्तों सामान्य परिस्थिति की बात कर रहा है और ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए यदि मुझको ये पता होता कि सामान्य परिस्थिति में कितने परसेंट लक्ष्य को भेजता है, लेकिन मुझे प्रतिशत नहीं पता कितने प्रतिशत लक्ष्य को भेजता है। वो पता करने के लिए मुझे ये एक डेटा दिया गया है कि 196 में 196 लक्ष्य भेजता है 350 में। तो यहां से दोस्तों मैं प्रतिशत निकालता हूं, तो प्रतिशत निकालने के लिए इंटू में 100 कराना होता है, इसको इससे काट दीजिए, 5 से काटिए तो 7, 5 × 2 = 10, ये 7 × 2 = 14 और 7 × 4 = 28, तो ये कितना आ गया दोस्तों 56%। लेकिन दोस्तों 56% कम आया जब यदि तूफानी मौसम होता है तो 56% लक्ष्य को भेज पाता है। इसका मतलब हुआ कि 100 में वो 56 बार सही निशाना लगाता है और बाकी 44 बार गलत लगाता है। लेकिन ये दोस्तों कैसे मौसम में है, तूफानी मौसम में, और हमें पता क्या करना है सामान्य परिस्थिति में, और जो सामान्य परिस्थिति है उसमें जब तूफानी मौसम में 20% कम लगाता है और तो मतलब सामान्य परिस्थिति में 20% लक्ष्य को और ज्यादा भेज सकता होगा। तो यहां पर आप दोस्तों 20% का सबसे पहले अब फ्रैक्शन में लिखिए तो कितना होता है वो 1/5। इसका मतलब हो दोस्तों यदि 5 बार लक्ष्य को भेजता है तो 1 बार नहीं भेज पाता, तो भेद कितनी बार पाता होगा 4 बार और ये बटे में क्या हो गया 5। तो ये हम लोगों का हो गया रियल फ्रैक्शन कि 4/5 बार लक्ष्य को भेज पाता है। दोस्तों ये आपका जो 56% आया है, ये 56% लक्ष्य को भेद पाता है जब मौसम तूफानी होता है, और देखिए अब इसमें जब तूफानी होता है तो 20% कम भेजता है। इसका मतलब होगा ये मुझे 100% की वैल्यू नहीं पता, 100% से कम की पता है,
अब मुझे जब 100% की वैल्यू पता करना है तो सबसे पहले मैंने आपको आंसर बताया था कि इसके जस्ट उल्टा फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आपका फ्रैक्शन है 4/5, तो इसमें आप 5/4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। आप इसको काटिए तो ये 14 चौक 56, तो ये कितना हो जाएगा 14 × 5 = 70। तो ये दोस्तों आपका आ गया, सामान्य परिस्थिति में वो लक्ष्य को 70% भेज सकता है और जबकि तूफानी में 56%। अब दोस्तों ये 250 में 250 60 है और 250 का वो 70% लक्ष्य को भेज सकता है, तो आप इसका 70% निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0 काटिए, ये 0 से ये 0, 25 × 7 = 175, यही आपका बी पार्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आपको यही एक यहां पर लॉजिक लगाना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है प्रत्येक दिन जन्म लेने वालों की संख्या समान मानते हुए, इस पॉइंट पर दोस्तों गौर करिएगा, कह रहा है जो समान है मतलब जितना पहले दिन जितने बच्चे उन्होंने जन्म लिया उतने ही पूरे साल बच्चे जन्म लेते रहेंगे। ठीक दोस्तों, अब जनसंख्या का प्रतिशत का पता लगाएं जिनका जन्मदिन अधिक लीप वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन में हुआ, फरवरी के अंतिम दिन में, और लीप वर्ष में दोस्तों आपको पता होता है 366 दिन होते हैं। अब दोस्तों जब जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या समान है तो आप कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, कि मान लिया यदि पहले दिन 10 बच्चे जन्म लेंगे यानी 1 जनवरी को यदि 10 बच्चे जन्म लेंगे तो आगे के पूरे 366 दिन 10-10 बच्चे ही जन्म लेंगे। तो दोस्तों जब मानना ही है तो हम एक बिल्कुल इसमें आसान डेटा मान लेते हैं कि 1 जनवरी को एक बच्चा पैदा हुआ, तो 2 जनवरी को भी एक बच्चा, फिर 3-4 ऐसे पैदा होंगे और बाकी जो 29 फरवरी को कितने भी बच्चे एक ही जन्म लेंगे, 31 दिसंबर को भी एक बच्चा ही जन्म लेगा। अब दोस्तों मुझे फरवरी के अंतिम दिन का प्रतिशत बताना है, तो फरवरी के यदि 1 जनवरी को एक बच्चा जन्म ले रहा है तो फरवरी के अंतिम दिन में भी एक बच्चा ही जन्म लिया होगा, और फरवरी लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और यदि एक दिन में एक बच्चा जन्म ले रहा है तो 366 दिन में कितने बच्चे जन्म लेंगे, 366। बस दोस्तों अब इसका हमें प्रतिशत बताना था तो इसलिए इनटू में 100 करा देंगे। बस दोस्तों आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप इसको प्रतिशत निकालिए, तो इसको जब भाग देंगे दोस्तों, तो यदि भाग देने में किसी को तकलीफ हो तो आप इसको ऐसे लिखिएगा और ये 100 लिखिएगा। अब 366 का भाग 100 में नहीं जाएगा तो दशमलव लगा देंगे, और दशमलव जैसे लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 366 का जब भाग 1000 में देंगे तो ये 2 बार जाएगा। अब देखिए दशमलव 0.2 कौन से ऑप्शन में इन चारों में दिया है, तो इसमें 2.0 तो ये भी नहीं होगा, इसमें 0 लगा है तो ये भी नहीं होगा, 0.006 है तो ये भी नहीं होगा, 0.2 खाली डी ऑप्शन में दिया है, तो यही आपका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, वैसे यदि आप पूरा भाग देंगे तब भी आपका 2732 ही आएगा, लेकिन आपको पूरा भाग देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आप दोस्त इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, कर्नाटक का जो सिल्क उत्पादन है वो केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है। अब तो यहां पर दोस्तों आप कर्नाटक लिखिए और एक जगह यहां पर आप केरल लिखिए, और जब भी दोस्तों आपको प्रतिशत कभी अधिक करना हो या कभी कम करना हो तो वहां पर आप हमेशा 100 वैल्यू मानने की कोशिश किया करिए। केरल के सिल्क उत्पादन से 100% अधिक है, तो यदि मैंने केरल को 100 मान लिया तो ये कर्नाटक का 100% अधिक है, और ये दोस्तों 100 मानने से एक फायदा ये होता है कि जितने प्रतिशत अधिक कहता है उतने ही दूसरे वाले में उतना ही नंबर जोड़ देना होता है, यदि जितने प्रतिशत कम बोलता तो उतने ही प्रतिशत कम कर देना होता है। तो दोस्तों यहां पर केरल का 100 है और जो कर्नाटक का है केरल से 100% अधिक है, मतलब 100 अधिक है, तो कर्नाटक केरल का 100 है और ये 100% अधिक है, मतलब ये 100 अधिक है, तो कर्नाटक का कितना सिल्क उत्पादन होगा, 200। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे। अब दोस्तों हमें बताना है केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में लिखना है। दोस्तों किसके प्रतिशत के रूप में लिखना है, तुलना किससे करना है, कर्नाटक से, तो दोस्तों कर्नाटक को कहां लिखेंगे, बटे में, और दोस्तों किससे करना है, केरल के आधे भाग से, तो केरल का आधा, 100 का आधा कितना होगा, 50,
तो दोस्तों इस 50 को हम लोग ऊपर लिख लेंगे और इनटू में 100 करा देंगे, बस यही आपका आंसर। दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, दो से काट देंगे तो ये 25 आ जाएगा, यही 25% आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तो जो केरल के आधे सिल्क उत्पादन वो कर्नाटक के सिल्क उत्पादन का प्रतिशत के रूप में कितना है, 25%। तो दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि आप लोग लास्ट तक लाइक करना भूल जाते हैं। चलिए मेरे प्यारे भाइयों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस थोड़ा डेटा दिया है। देखिए 220 छात्र हैं जिसमें से कुछ पुरुष हैं, अब पुरुष छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 120, और जब यदि कुल छात्र 220 हैं तो महिलाएं कितनी होंगी आप आसानी से बता सकते हैं, 100। 220 में 120 घटा देंगे तो 100 आ जाएगा। पुरुष छात्रों के 25% और महिला छात्रों में से 20% रसायन विज्ञान के छात्र हैं। जो 120 हैं इसमें से 25% जो पुरुष छात्र हैं वो रसायन विज्ञान के हैं और महिलाएं कितनी हैं, 20%। अब दोस्तों आप 120 का 25% निकालना है तो आप बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है, एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 10% का मान 12 हो गया, तो 20% का मान 24 हो जाएगा, और आपको 25% का निकालना है तो आप 5% इसका आधा हो जाएगा 10% का, तो 6 हो जाएगा, तो ये आपकी 5% की वैल्यू हो गई, तो आपका 25% सीधा सीधा 30 आ जाएगा। 100 का जब 20% निकालेंगे तो ये आपका 20 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको आगे पढ़िए, रसायन विज्ञान के 20% पुरुष छात्र, जो रसायन विज्ञान के 20% पुरुष छात्र पास होते हैं और 25% महिला छात्र पास होती हैं। रसायन विज्ञान कुल छात्र हैं कितने, 30 + 20 = 50 छात्र हैं, तो इसका 20% निकालिए तो एक अंक बाद दशमलव, 10% का मान 3 तो 20% का मान 6, यहां पर एक अंक बाद दशमलव तो 10% का मान 2 तो 20% का 4 और 25% का 5। तो दोस्तों रसायन विज्ञान के 6 पुरुष छात्र पास हुए और 5 महिला छात्र पास हुई, तो रसायन विज्ञान के 11 छात्र पास हुए कितने में, 30, 20, 50। टोटल रसायन विज्ञान के छात्र कितने हैं, 30 पुरुष हैं और 20 महिलाएं, मतलब 50 छात्र हैं। प्रतिशत बताना है तो इनटू में हमने 100 करा दिया, इसको काट दिया तो 50 × 6 = 100 और 11 × 22% यही आपका सी पार्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही करना था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, तुरंत आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उसके पहले ये देखिए, आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 87.5% का जो फ्रैक्शन में मान होता है वो होता है 7/8। इस चीज को आपको याद रखना है दोस्तों, इस चीज को आपको याद रखना है। ये आता कैसे, आप इसको भी देख सकते हैं, ये 87.5 है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, ये दशमलव हटाएंगे तो 10 और आ जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 × 5 = 7, 5 × 35 = 25, 175 आ जाएगा, ये आपका 200 आ जाएगा, इसको काटिए 25 से तो ये 8 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, तो ये आता आपका ऐसे 7/8, लेकिन आपको इसकी वैल्यू याद रखना है। अब दोस्तों आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया, अब इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से पढ़िए, एक संख्या का 20% दोस्तों, इस संख्या का जो 20% है वो 50 के बराबर है, तो कह रहा है उस संख्या का 87.5% क्या होगा, तो इसका दोस्तों अब ये आपका क्वेश्चन बन गया कि उस संख्या का 7/8 क्या होगा, ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन है, ये प्रतिशत में दिया, प्रतिशत को आपने फ्रैक्शन बदल लिया तो अब आपका बन गया 7/8 आपको बताना है। तो दोस्तों इसको निकालने के लिए 1% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 50/20। 100% निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपकी संख्या आ गई, 20 × 20 = 20, 20 × 5 = 100, 5 × 25, तो ये आपकी संख्या कितनी आ गई, 250। और दोस्तों इस तरह मैंने आपको एक चीज और ये बता रखी थी कि यदि किसी फ्रैक्शन का मान, किसी परसेंटेज का मान किसी नंबर के बराबर दिया हो और आपको 100% का मान निकालना हो तो आपको नंबर को ऊपर लिख देना होता है और प्रतिशत को बटे में लिख देना होता है और इंटू में आपको 100 करा देना होता है। तो ये आपको ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको नंबर को ऊपर लिखना है, प्रतिशत को नीचे लिखना है, आपको ये लॉजिक याद रखना है। अब दोस्तों ये आपकी संख्या 250 आ गई, अब 250 का आपको 7/8 भाग बताना है तो आप इसका 7/8 का मल्टीप्लाई करा के इसको हल करिए, 4 से काटिए
तो ये 4 आएगा, ये 125 आएगा। अब ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये आपका 25 700 875 हो जाएगा। 875 में 4 का भाग दीजिए तो ये कितना आएगा, 4 दुनाई 8, 4 एकम 4, 21 आ गया। अब देखिए 21 किसमें है, खाली डी पार्ट में है, तो आपको पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। बाकी यदि आप पूरा भाग देंगे तो आपका 218.78 ही आएगा। लेकिन एग्जाम में आपको टाइम बचाने के लिए आप इसमें बस स्टार्टिंग के दो या एक या दो डिजिट तक भाग दिया करिए, इसके बाद तुरंत आप ऑप्शन देखा करिए और टिक कर दिया करिए। चलिए दोस्तों आप अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों यदि क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, और यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, तो आपको चीजें थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। अब दोस्तों देखिए फिर से ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम पिछले कॉन्सेप्ट पर है कि देखिए पी का 5% जो है वो 10 के बराबर दिया गया है, और क्यू का 10% का मान 5 के बराबर दिया गया है। तो दोस्तों आप यदि इसको देखो, कुछ लोग इसको ऐसे करेंगे कि जो पी का 5 अप्रतिशत दो बटे में सौ कर देंगे और बराबर में किसके बराबर दिया 10, तो आप यदि इसको ऐसे निकालेंगे तो ये काट दीजिए तो 20 × 5 = 100, तो ये आपका पी का मान 200 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि आपको ज्यादा डिटेल में चीजों को हल करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये 5% का मान 10 के बराबर दिया है, तो आप इसको सीधा सीधा 100% निकालने के लिए नंबर को ऊपर लिख दीजिए और जो प्रतिशत है उसको बटे में लिख दीजिए, इनटू में 100 करा दीजिए, यही आपका पी का मान हो जाएगा। इसको हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा 20, और तो ये आपका आ जाएगा पी का मान 200। ऐसे ही दोस्तों क्यू का मान निकालने के लिए आपको 10% का मान 5 के बराबर दिया है, तो ये नंबर को ऊपर लिखिए, प्रतिशत इसको बटे में लिख दीजिए, इनटू में 100 करा दीजिए, 1 0 से 1 0 काटिए, तो यहां से आपका क्यू का मान सीधा सीधा 50 आ जाएगा। तो आपको ये इतना सारा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब दोस्तों यहां से जो R का मान आपको बताना है, और R का मान जो है आपका वो Q बटे P के बराबर दिया गया है, और Q का मान आपने 50 निकाल लिया है, P का मान आपने 200 निकाल लिया है, इसको काट दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 1/4। और दोस्तों ये ऑप्शन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये आपका 1/4 है, तो यही आपका ए पार्ट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना था, बिल्कुल सा आसान सा क्वेश्चन था, तो आई थिंक आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों यदि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं सारे आपके कमेंट पढ़ता हूँ, और जिसकी जो समस्या होती है वो समस्या को मैं समाधान और हल करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आने पाए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद।